Hey guys, what's up? Welcome back to my YouTube channel. I am Ankit. So I know my hair quality is not that great. If you see my old picture, जब मैं कॉलेज में था, 18-19 years से ही मेरा हेयर फॉल स्टार्ट हो गया था. मतलब कि साइड में जो रिसीडिंग हेयरलाइन की प्रॉब्लम है वो मुझे तब से ही स्टार्ट हो गई थी, जिसके चक्कर में मेरा पूरा का पूरा सेल्फ कॉन्फिडेंस जा चुका था कॉलेज टाइम में ही. इफ यू सी माई डैड्स पिक्चर, उनको पूरी तरह से हेयर फॉल हो चुका है. मतलब कि उनके बहुत ही साइड में ही बाल हैं. तो मुझे ऐसा लगा कि शायद ये जेनेटिक है और मेरे भी पूरे के पूरे बाल चले जाएंगे. और अगर मेरी एज आप जानेंगे तो आई एम 33 years old एंड फिर भी मेरे बाल जितना हेयर फॉल 33 years में होना चाहिए उतना मेरे नहीं है. आई हैव कंट्रोल्ड इट अ लॉट. तो आज की इस वीडियो में आपके साथ यही शेयर करने वाला हूँ, मेरी पूरी हेयर लॉस जर्नी, कैसे मैंने अपने हेयर फॉल को कंट्रोल किया. अगर आपको भी हेयर फॉल हो रहा है तो आप उसको कैसे कंट्रोल कर सकते हैं, हर चीज मैं आपके साथ शेयर करूंगा. सो इफ यू आर इंटरेस्टेड इन दिस टॉपिक, मेक श्योर यू वॉच दिस वीडियो टिल द एंड. लाइक कर दीजिए इस वीडियो को, सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड लेट्स गेट स्टार्टेड. ये गलती मैंने करी थी जब मैं कॉलेज टाइम पे था. मैं हर रोज बाल वॉश करके कॉलेज जाता था. मुझे ऐसा लगता था कि जब मेरे बालों से अच्छी खुशबू आएगी तो लड़कियां और ज्यादा अट्रैक्ट होंगी. इस चक्कर में मैं एवरीडे शैम्पू अप्लाई करता था. मुझे अच्छा तो फील होता था, मगर धीरे 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 मुझे ऐसा रियलाइज होने लग गया कि जो मेरी लाइन है, हेयर लाइन है, वो पीछे की तरफ जाने लग गई है एंड साइड में भी काफी गैप आने लग गया था. मतलब कि रिसीडिंग हेयर लाइन की प्रॉब्लम स्टार्ट हो गई थी. क्योंकि जब हम हेयर वॉश करते हैं तो हमारे बालों में जो शाइन देता है, जो नेचुरल ऑयल होता है, वो पूरा का पूरा वॉश ऑफ हो जाता है, जिसकी वजह से बालों में जितने भी न्यूट्रिएंट्स हैं वो सारे के सारे खत्म होने लग जाते हैं एंड आपके बाल बहुत ज्यादा वीक हो जाते हैं. हर रोज आपको हेयर वॉश नहीं करना है, वीक में सिर्फ 2 बार और मैक्सिमम 3 बार कर सकते हैं, इसके बाद आप मत करिए. जैसे हमें हेल्दी रहने के लिए अच्छा खाना खाने की जरूरत होती है, वैसे ही हमारे बालों के लिए जो फूड होता है वो ऑयल होता है. जब मैं कॉलेज टाइम पे था तो मेरी मॉम मेरे ऑयलिंग कर देती थी, बट जब मेरी इंजीनियरिंग के मैं सेकेंड ईयर में ही था तभी मेरी मॉम चली गई थी. तो उसके बाद से मैंने कभी भी ऑयलिंग नहीं करी. मतलब कि थ्रू आउट माई कॉलेज जर्नी 3 साल तक मैंने बिल्कुल भी ऑयलिंग नहीं करी अपने बालों में. और ऑयलिंग ना करने का एक रीजन ये भी था कि मुझे ऐसा लगता था कि अगर मैं ऑयल लगा के कॉलेज जाऊंगा तो मैं थोड़ा सा चंपू लगूंगा, बाकियों से कूल नहीं दिखूंगा. तो जो ऑयलिंग का रूटीन था वो मेरा वीक से मंथ में चला गया, मंथ में एक बार, फिर मंथ से 3-4 महीने में एक बार, फिर धीरे धीरे साल में एक बार, एंड ऑयलिंग मेरे बालों से पूरी तरह से खत्म हो चुकी थी. तो एटलीस्ट वीक में एक बार तो आप जरूर ऑयलिंग करिए. मैं वीक में 2 या 3 बार ऑयलिंग जरूर करता हूं. और ओवरनाइट अगर आप नहीं कर सकते हैं तो आप आधे घंटे पहले कर लीजिए शैम्पू करने से, दैट विल बी फाइन. ये गलती आई थिंक सबसे बड़ी गलती है अबव ऑल ऑफ दीज मिस्टेक्स. क्योंकि हम क्या करते हैं, हम एक बार कोम खरीद लेते हैं और उसको हमेशा यूज करते जाते हैं और उसको कभी भी धोते नहीं है या वॉश नहीं करते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है, जब हम शैम्पू कर लेते हैं अपने बालों को और वापस से सेम वही कोम लगाते हैं तो हमारे बाल जितने साफ हुए होते हैं उससे ज्यादा और गंदे हो जाते हैं. जितना भी डर्ट बैक्टीरिया कोम में जनरेटेड होता है वो सारा का सारा हमारे स्कैल्प में वापस से चला जाता है. मंथ में या फिर 3-4 महीने में एक बार आप अपने कोम को जरूर क्लीन करिए. इससे आपके बाल, आपका स्कैल्प, सब चीज बहुत ज्यादा हेल्दी रहेगा. एंड आई वुड सजेस्ट कि अगर आप ट्राई कर सकते हैं तो आप वुडन कोम में इन्वेस्ट करिए. हो सके तो नीम वुड का जो कोम होता है वो सबसे बेस्ट होता है, क्योंकि उसके अंदर एंटी फंगल प्रॉपर्टीज होती हैं, एंटी बैक्टीरियल प्रॉपर्टीज होती हैं, जो आपके बालों में इन्फेक्शन या फिर इचिंग की प्रॉब्लम होती है तो उसको भी ठीक कर देता है. एंड द बेस्ट थिंग इज कि वो बहुत ज्यादा सस्ते भी आते हैं. मतलब कि 200-250 रुपए में आपको कोम मिल जाता है आराम से. जैसे ही मार्केट में कोई प्रोडक्ट आता है या फिर ऐड आता है, हमारा कोई फेवरेट सेलिब्रिटी उस ब्रांड का प्रमोशन कर देता है, तो हमें ऐसा लगता है कि यार ये प्रोडक्ट शायद अच्छा है और हम उसको खरीद करके अप्लाई करना शुरू कर देते हैं विदाउट नोइंग कि क्या वो हमारे स्कैल्प और हमारे बालों को सूट करेगा या नहीं, उसके लिए अच्छा है या नहीं. सेम यही मेरे साथ भी होता था. मैंने इतने सारे प्रोडक्ट्स यूज करे थे या फिर अगर मैं किसी का ऐड देख लेता तो मुझे लगता था कि हाँ ये शायद अच्छा होगा और मैं उसको अप्लाई करना शुरू कर देता था. यही सबसे बड़ी मिस्टेक थी मेरी लाइफ की और मेरा हेयर फॉल इसी से ही स्टार्ट हुआ था, जो कि सीवियर वाला था. विदाउट नोइंग कि मेरे बालों को क्या चाहिए, हम वो प्रोडक्ट इस्तेमाल कर लेते हैं. इसके साथ साथ हेयर फॉल के बहुत सारे रीजंस भी होते हैं, जैसे कि इंटरनल हेल्थ, एनवायरनमेंट, जेनेटिक्स, न्यूट्रिशन, डाइट, मेटाबॉलिज्म, हार्मोन, स्ट्रेस एक्सेट्रा. यही मिस्टेक आगे ना बढ़े. और अब तुम जैसे मेरी एज बढ़ती जा रही है, मुझे ऐसा लगता है कि मुझे और ज्यादा केयरफुल रहना पड़ेगा. इसलिए मैंने थोड़ी सी रिसर्च करी और मुझे ऐसा पता चला कि मेरे पास अभी थोड़ा टाइम है जिससे कि मेरा ये हेयर फॉल और ज्यादा सीवियर हो सकता है. क्योंकि हेयर लॉस एक ऐसा प्रॉब्लम है जो कि स्टेजेस में होता है, स्टेज 1 टू 7. अगर आप स्टेज 1 से लेकर के 4 तक में हो, देन यू कैन कंट्रोल योर हेयर फॉल. अगर आप उसके ऊपर चले गए, देन हेयर ट्रांसप्लांट सर्जरी के अलावा आपके पास कुछ ऑप्शन नहीं बचेगा. तो रिसर्च के बाद मुझे पता चला कि जो मेरा हेयर फॉल है वो स्टेज 1 से 4 के बीच में है एंड इट्स अ बेस्ट टाइम, आई कैन कंट्रोल इट. तो मैंने सोचा कि अपने आप से ट्राई नहीं करते हैं, किसी एक्सपर्ट के पास ही जाता हूं और उनके एडवाइस लेकर के मैं अपने हेयर फॉल को कंट्रोल करता हूं. देन आई केम इन टच विद त्राया. तो त्राया में आप फ्री ऑनलाइन हेयर टेस्ट कर सकते हैं, जिससे कि आपको आपके हेयर लॉस का रूट कॉज और स्टेज पता चल जाएगा. और वो ये सारे क्वेश्चंस पूछते हैं,
एंड मुझे तुरंत रियलाइज हुआ कि यही सब चीजें तो मुझसे कोई नहीं पूछ रहा था। दे हैव देयर ट्रस्टेड डॉक्टर्स टीम जो आपकी प्रॉब्लम्स को समझते हैं और आपके लिए बेटर ट्रीटमेंट सजेस्ट करते हैं जो स्पेशली आपके लिए ही डिजाइंड है। तो जब मेरा रिजल्ट आया तो मुझे पता चला कि मेरा हेयर फॉल का जो मेन रीजन है वो स्ट्रेस है, क्योंकि जॉब में बहुत ज्यादा टेंशन है। न्यूट्रिएंट्स भी एक रीजन था क्योंकि मैं बहुत ज्यादा जंक फूड खाता हूं। एंड थर्ड रीजन वॉज जेनेटिक्स, क्योंकि मेरे डैड ऑफकोर्स पूरी तरह से बाल्ड है तो मुझे पता था कि ये भी एक रीजन हो सकता है। इन्हीं सारी प्रॉब्लम्स को ध्यान में रख के ट्राया के डॉक्टर्स ने मुझे एक सोल्यूशन डिजाइन किया मेरे लिए और प्रिस्क्राइब किया। अगर आप टेस्ट लेते हैं तो आपको भी वो प्रिस्क्राइब करेंगे। इसके साथ साथ वो एक डाइट प्लान भी देते हैं जो कि आपके पूरे ओवरऑल ट्रीटमेंट को और ज्यादा एफिशिएंट भी बनाते हैं। मेरे केस में आई गॉट दीज अमेजिंग प्रोडक्ट्स एज ए किट। ट्राया ने सिर्फ मुझे ही नहीं बल्कि 200,000 और लोगों को रिजल्ट दिए हैं 93% सक्सेस रेट के साथ, वो भी सिर्फ 5 महीने में। आप भी ऐसे ही सक्सेसफुल रिजल्ट्स देख सकते हैं इन 3 स्टेप्स में। फर्स्ट ऑफ ऑल try.health पे जाकर के फ्री टेस्ट ले लो, अपना 1 मंथ का कस्टमाइज किट खरीदो, दिए हुए फ्री डाइट प्लान और हेयर कोच की हेल्प से 5 मंथ्स में रिजल्ट देखो। यूज माई कोड Ankit20 टू गेट 20% डिस्काउंट ऑन योर परचेज एंड ट्रस्ट मी आई हैव बीन यूजिंग दीज प्रोडक्ट्स फ्रॉम लास्ट 3 मंथ्स और अभी मुझे 2 महीने और बचे हुए हैं तो मैं कंटिन्यू करूंगा इस रिजल्ट को एंड आई कैन सी न्यू हेयर फॉलिकल्स ऑन माई स्कैल्प एंड डेफिनेटली यू शुड गिव इट अ ट्राई। अगर आपको भी हेयर फॉल का इशू हो रहा है तो मैं इसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा। ये एक बिगेस्ट प्रॉब्लम है। बहुत सारे लोग क्या करते हैं कि टॉवल से बहुत कस कस के अपने बाल को सुखाते हैं, जो कि बिल्कुल गलत तरीका है। जब हम टॉवल से ऐसे रब करते हैं तो फ्रिक्शन के चक्कर में हेयर फॉलिकल्स और ज्यादा वीक हो जाते हैं और ज्यादा हेयर फॉल होता है, तो हमेशा टैप ड्राई करना चाहिए। तो एक्चुअली क्या होता है, जब कभी भी कोई हेयर स्टाइलिंग प्रोडक्ट आता है और हम लोगों को एकदम फंकी हेयर स्टाइल्स चाहिए होती हैं, तो हम लोग क्या करते हैं कि वो प्रोडक्ट ले लेते हैं और अप्लाई करना शुरू कर देते हैं। कॉलेज के टाइम में तो मैं बहुत ज़्यादा फंकी हेयर स्टाइल्स बनाता था, मतलब कि इफ़ यू सी माई ओल्ड पिक्चर्स, मुझे हमेशा स्पाइक्स और ये सारी हेयर स्टाइल्स पसंद आती थी। मेरे बाल इतना ज़्यादा लाइट थे कि मुझे एक्स्ट्रा प्रोडक्ट अप्लाई करना पड़ता था क्योंकि वो होल्ड मिल सकती थी मुझे काफ़ी टाइम तक के लिए। तो उस चक्कर में क्या हुआ था कि मैंने काफ़ी सारा प्रोडक्ट अपने स्कैल्प में अप्लाई करना शुरू कर दिया था, विच वॉज सुपर डुपर रॉन्ग। कोई भी प्रोडक्ट लेने से पहले आप पहले उनके इंग्रीडियंट्स पढ़िए, अगर उसमें हार्मफुल केमिकल हैं देन डेफिनेटली यू शुड नॉट बाय देम। एंड हेयर स्टाइलिंग प्रोडक्ट को आपको हमेशा बालों के एजेस में अप्लाई करना होता है, स्कैल्प में कभी भी नहीं अप्लाई करना होता है। अब सर्दियां आनी शुरू हो गई हैं, हम लोगों को गरम लॉन्ग शावर लेने में बहुत ज्यादा मजा आता है, बट गरम पानी से बालों को वॉश करना या अपने शरीर पे डालना, उससे नहाना, ये बहुत ही गलत बात है। इससे क्या होता है कि नेचुरल ऑयल खत्म हो जाता है, हमारे बाल बहुत ज्यादा ड्राई हो जाते हैं, जिससे कि इची स्कैल्प, डैंड्रफ, ये सारे इशू शुरू हो जाते हैं और हमारी स्किन भी ड्राई हो जाती है। तो हमेशा ल्यूकवॉर्म वाटर में या फिर रूम टेम्परेचर वाले पानी में ही नहाना चाहिए। एंड बालों में तो स्पेशली अगर आप गर्म पानी से धो भी रहे हैं तो लास्ट में एक कोल्ड वाटर रिंस जरूर करिए, जिससे कि आपको फ्रिजीनेस की प्रॉब्लम नहीं होगी। सो गाइस, ये थी मेरी फॉल जर्नी। मुझे ऐसा लगा कि ये जो मिस्टेक्स मैंने अपनी पास्ट में करी हुई हैं, आई होप इन सारी मिस्टेक्स को आप लोग रिपीट ना करें। अगर आपको भी हेयर फॉल हो रहा है देन डेफिनेटली यू शुड ट्राई टू इंप्लीमेंट दीज थिंग्स इन योर लाइफ एंड सी द रिजल्ट। सो दैट्स इट फॉर टुडेज वीडियो। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, कुछ भी मोटिवेशन मिली होगी तो प्लीज लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन एंड आई विल सी यू इन माय नेक्स्ट वीडियो। टिल देन बाय।